सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के बैक टू बैक कई लुक पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और बताना चाहेंगे भारत इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन खबरों की माने तो अब इस फिल्म में साउथ के बड़े सुपरस्टार रामचरण की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म भारत को एक साथ कई सारी भाषाओं में रिलीज किया जाना है और खबरों की माने तो इस फिल्म को हिंदी नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाना है और सलमान खान की फिल्म भारत में तमिल या तेलुगु में अपनी आवाज दे सकते हैं रामचरण। जी हां, खबरों की माने तो रामचरण फिल्म भारत में अपनी आवाज देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिल्म भारत सिर्फ बॉलीवुड के चाहने वाले ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के चाहने वाले भी पसंद करेंगे क्योंकि रामचरण की साउथ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है जिसका बड़ा फायदा फिल्म को होता देख सकता है। भारत फिल्म काफी मायनों में खास है क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा जबरदस्त साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे भारत फिल्म दक्षिण कोरियाई फिल्म ऑड टू माय फादर का हिंदी रीमेक है जिसे साल 2014 में दक्षिण कोरिया में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया और इसी कड़ी में वो इस फिल्म के हिंदी रीमेक को लेकर आ रहे हैं सलमान खान जिस फिल्म का निर्देशन किया है अली अब्बास जफर। फिल्म की कास्ट भी काफी ज्यादा जबरदस्त है और बताना चाहेंगे सलमान खान के अपोजिट इस फिल्म में कटरीना कैफ, दिशा पाड़नी, आसिफ शेख तब्बू और जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर वरुण धवन इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। काफी खूबसूरत और काफी बेहतरीन ये फिल्म भारत साबित होने वाली है जिसे इसी साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। साल 2018 के ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में सलमान खान भारत फिल्म के जरिए ईद पर जबरदस्त वापसी करने वाले हैं और सलमान खान की यह जबरदस्त वापसी काफी बेसब्री से इंतजार उनके फैंस भी कर रहे हैं।